يستخز ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی صاحبو اور عزیز ساتھیو اللہ ذوالجلال دی توفیق اور خاص فضل اور کرم اور اودی رحمت نال اودے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا جو موقع میسر آیا مالک دے حضور درد دل نا اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے اس مل بیٹھن اللہ ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے
तमाम मखलूकात जो अल्लाह जुल जलाल ने इंसान नु अफजल अशरफ और सब नालों आला बनाया, फिर तमाम इंसाना चो हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात नु अफजल और आला बनाया, फिर सारे अंबिया चो आमिना दिलाल हजरत मुहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जात पाक नो अल्लाह ने सब नालों आला और सब नालों बेहतर बनाया, जिन्हां दे बारे साडा ईमान और अकीदा के दुनिया दे अंदर इज्जत और अजमत दा ताज अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सर पाक ते रखे है, और कल कयामत दे दिन भी इज्जत और अजमत दा ताज अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर नू ही अता फरमानगे। ए शान ए एजाज और मनसब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा दुनिया दे अंदर भी है और कयामत दे दिन भी है। मेरे भाइयो मेरे बरादर जरा गौर फरमाना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उस महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी जिंदगी पाक नो अगर असी बगौर देखिए मुताला करिए तो अल्लाह ने ऐसा अजीम और बेहतरीन बनाया कि आपका बचपन सब नालो आला, आपका लड़कपन सब नालो आला, आपकी जवानी सब नालो आला, आपका बुढ़ापा सब नालो आला, मक्की जिंदगी सब नालों आला, मदनी जिंदगी सब नालों आला, बल्कि सजादा चक वाले हो इर्दा गिरा तो आन वाले हो किताबो सुन्नत दे परवाने हो। मैं नहीं कह रहा, कायनात दा रब खुद ऐलान कर रहे है कि सोने हो हर नवा चढ़न वाला दिन तुहाडी इज्जत ते अजमत विच इजाफा ही करदा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला। जागदे हो ना, ओ जागदे हो, कुछ उंज तुसी दूर बैठे हो, कुछ कैमरे आलिया ने बेच कंध करके तुहानू साढ़े तो दूर कर दिता है, ते अल्लाह तुहाडा भी आना ते इना शहबाजां दा आना भी कबूल फरमाए। ते उंज इह वेख के अगर तुसी अगे कोई साथी आ जाओ ते मेरा ख्याल है कि वधी नूं डर कोई नहीं, वैसे भी इत्थे साया सोया ते मेरा अंदाजा है भाई नहीं होना, अगर होया भी ते इंशाअल्लाह कारी महमूद साहब तशरीफ फरमा ने कोई वादा घाटा कर लांगे। आ जाओ वधी नूं डर कोई नहीं, जरा अगे होके बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक नाल। इन्नी गर्मी दी शिद ईको बंद करो जी, ईको बेस बिल्कुल बंद करके सादा चलाओ, जरा सादा आवाज खोल दो जरा। हाँ जी तवज्जो फरमाना, करीब आ जाओ, जिन्ना जिन्ना करीब आओगे अल्लाह दे फरिश्ते उन्ना घेरा पा के बैठ, हां
फरिश्तियां दा घेरा अल्लाह दे फज़ल। और मैं कहा करना एक एवे के कोई दुनियादार लीडर आए, कोई सियासतदान आए ते ओदे चार चुफेरे पुलिस दा घेरा हुंदा, पुलिस दा पहरा हुंदा। ओए असी किड्डे खुश नसीब हाँ कि जिन्हां दे चार चुफेरे फरिश्तियां दा घेरा है। और ऐयो मजलस है जिदे बारे मेरे ते तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद जरा प्यार ना कबो हां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदे बारे ही नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया। आमिना दे लाल अलैहि सलाम फरमांदे ने जेड़ी मजलस कुरान सुन्नत दी मजलस है, कुरान सिखाया जांदा है, कुरान सिखाया जांदा है, इदे चार चुफेरे अल्लाह दे मलाइका घेरा पा के बह जांदे ने। और जदों ए महफिल बरखास्त हुंदी है, जदों ए मजलस खत्म हुंदी है, अल्लाह जुल जलाल दे मलाइका वापस अपने रब दे हां तशरीफ लै जांदे ने। अल्लाह जुल जलाल सवाल करते ने ए मेरे मलाइका दी जमात कित्थों आए हो, हालां रब नू सारा ही पता है, हालां रब नू सारा ही पता है। अल्लाह जुल जलाल सवाल करते ने कित्थों आए हो, या अल्लाह तेरे बंदे तेरे कुरान दी महफल बपा करके बैठे सन, अच्छा आए की लैन सर। हुण ए जड़ी सोच असी अल्लाह दे फजल नाल लैके आए हां, असी ज़ेहन लैके आए हां, असी अल्लाह दा कुरान सुनांगे, अल्लाह साडे गुनाह मुआफ फरमा देवेगा। ओए ए ही है ना किराए ते आए हो, ओए बोलो ते सही, असी ज़ेहन लैके आए हां, असी कुरान सुनांगे ते अल्लाह साडे गुनाह मुआफ फरमा देंगे, असी कुरान सुनावांगे अल्लाह साडे गुनाहां नूं मुआफ फरमा देंगे, असी प्यारे पैगंबर दी सुन्नत ते हदीसां सुना सुनावांगे, आका दा शान मकाम सुनांगे, अल्लाह साडे गुनाहां नूं मुआफ फरमा देंगे, अल्लाह जहन्नम तो बचा लैणगे ते जन्नत अता फरमा देंगे। दुआ करो हां अल्लाह जिवें सजादा चक कठिया कीता दे एवें ही नबी पाक दे हौजे कौसर ते कठिया फरमा देना, ते सोनिया इसे तरह ही सानू अपने जन्नत विच भी इकट्ठिया फरमा देना। प्यारे पैगंबर अली सलातो व सलाम फरमांदे ने हुण मलाइका अपने मालिक दे सामने अर्ज करदे ने, अल्लाह अपने गुनाहां दियां मुआफियां मंगन आए ने, जहन्नम तो पनाह मंगन आए ने, जन्नत दा सवाल करन आए ने। लेकिन जांदे आ जांदे इक होर गल भी नाल लगदे हथी नोट फरमा लो। प्यारे पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाह कोलो तीन दफा जहन्नम तो पनाह मंगदा है, अल्लाह दी कसम है लोगो नुस्खा कीमिया पल्ले बन के ले जाओ। जेड़ा बंदा तीन दफा अल्लाह जुल जलाल कोलो जहन्नम तो पनाह मंगदा है, आमिना दे लाल ने फरमाया जहन्नम ओदी सफारिश कर दिए, या अल्लाह मेरे कोलो बचन दी कोशिश कर दे पिया ते इनू बचाई ले। जहन्नम तेरी सवारिश कर दी है, या अल्लाह मेरे को बचन दी कोशिश ते दुआ कर दे, अल्लाह इनू मेरे कोलो बचाई ले। ते जेड़ा बंदा तीन दफा अल्लाह कोलो जन्नत दा सवाल कर दे, जन्नत एदी सफारिश कर दी है, या अल्लाह तरले जो लैन दे है इनू जन्नत विच दाखिल फरमा दे। ते पता नहीं केड़े वेले दी मुंह निकलियां गल्लां रब पूरियां फरमा देंदे ने। इस वास्ते अल्लाह दे घर अंदर शौक नाल मुहब्बत ना प्यार ना बैठे आ करो। आका अलैहि सलाम फरमांदे ने जदों मलाइका अपने मालिक दे सामने ए साडियां गल्लां रखणगे ते रब्बे कायनात फरिश्तियां नूं फरमानगे ए मेरे मलाइका दी जमात, फिर तुसी गवाह हो जाओ मैं ना सारियां नूं ही माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, तुसी गवाह फरिश्तियां दी गवाही मलाइका
ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਜਲਸਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੌਲਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜਲਸ ਇੰਨੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਮਜਲਸ ਕਿ ਜਿਸ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਜਿਸ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਤੇ ਵਾਜ਼ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਫਾਂ ਬਣਾ ਕਰ ਸੁਣਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਮਜਲਸ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਉਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੁਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਉੱਚੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਝੱਟ ਕੱਢ ਜਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੌਲਾ ਆਸ਼ਮ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣੇ, ਝੱਟ ਕੱਢ ਜਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੈਠਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੁਹਾ ਵੱਲ ਐਜ਼ਾ ਸਜਾ, ਮਾ ਵਦਾ ਕਾ ਰੱਬੋ ਕਾ ਵਮਾ ਕਲਾ, ਵਲਲ ਆਖਿਰਾ ਤੋ ਖੈਰੁਲ ਕਾ ਮਿਨਲ ਊਲਾ। ਕਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਔਰ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਚੁਕੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਸਨ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ, ਸਵਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਔਰ ਉਹ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇ, ਜਿਬਰੀਲ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਏਗਾ, ਜਿਬਰੀਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
आप फरमांदे ने वही नहीं आए, मैं कल दसांगा। ये दूसरे दिन आए, फिर तीसरे चौथे पंजवें सतवें दसवें दिन आए, कहन लगे साढ़े सवालों के जवाब दो। आप फरमांदे ने अजे वही नहीं आ रहे, अजे जिबरील नहीं आ रहा। हुण इन्हां नूं मुखालिफ नूं दुश्मन नूं उन्हां नूं ते परापे गंडा करन दा पूरा पूरा मौका मिल गया है। उन्हां आख्या वेखो असीं ते अगे ही आंदे सां, इह पुराने किस्से कहानियां नौज़ुबिल्ला अस्तगफिरुल्ला अलायाज़ुबिल्ला इह बयान करदा ते अपने कोलों ही नौज़ुबिल्ला बना बणू लैंदा। रब रूम कोई नहीं इहनूं पैगाम भेजदा, कोई जिबरील वही लैके नहीं आउंदा। ए मेरे पाक पैगंबर दे खिलाफ परापे गंडा करन लग पैणे। हुज़ूर अलैहि सलाम पांच दिन सात दिन दस दिन बारह दिन पंद्रह दिन एक रवायत के मुताबिक सतारह दिन तक वही नहीं आए। हुण मक्के वालियां नूं गल्लां करन दा मौका मिल गया, मुखालफां नूं परापे गंडा करन दा मौका मिल गया। और पता जे दुश्मन ते मौका हथों नहीं ना जान देंदे, हुण ते बीबियां गल्लां करन लग पई। और तुहानूं पता है ना, बीबियां ते चंगे भले बंदे दे पैरों जमीन कढ देंदियां ने, चंगे भले बंदे दे पैरों जमीन कढ छड्डदियां। ए ते किसे बीमार दा पता लैण टुर जाण ना ते कोल बह के आखेगी साढ़े मीं उहनां दा वी अखीरले दिनां च रंग इंज दा ही हो गया सी। भाई उन्हें कुछ चार सात सौ दे लेने ने ते वह भी ना लै सके। ये करमहालियां हुण बीबियां गल्लां करन लग पईआं ने, आंदियां ने नी इहनूं कुछ ना को इहदा रब इहदे नाल गुस्से हो गया, इहदा जिबरील इहदा फरिश्ता इहनूं छड गया। सतारा दिन गुजरे, मेरे पाक पैगंबर अली सलातो वसलाम आसमानां दी तरफे निगाहां उठाईआं। अर्शां वालिया किते सची मुची ते नाराज नहीं हो गया, अल्लाह किते सची मुची ते नहीं छड दिता। सतारा दिन बाद मेरे नबी ते वही आए, अल्लाह दा कुरान आया वज़ुहा वज़ुहा। ए मेरे महबूब पैगंबर मैनू चढ़ दे सूरज दी कसम। एक गल होर भी समझण वाली जे साडे वास्ते आर्डर है, तुसा जदों कसम उठानी है बस अल्लाह दे नाम दी उठानी है, गैर अल्लाह दे नाम दी कसम उठाना जायज ने। लेकिन उह सारी कायनात दा रब जिहदी चाहे कसम उठा लै, ओ मर्जी दा मालिक है ना। तां ही ते किते फरमाया ला उकसिमु बिहाज़ल बलद, किते फरमाया वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। आप मर्जी दा मालिक है। फरमाया वन नजमे इज़ा हवा, और इत्थे रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने वज़ुहा, सोनिया मैनू चढ़ दे सूरज दी कसम। वज़ुहा मैनू दिन दे उजाले दी कसम। वज़ुहा मैनू चाशत दे वेले दी कसम। वल्लैल इज़ा सजार मैनू सूरज दे डूब जान दी कसम। मैनू रात दे अंधेरा छा जान दी कसम। ए अर्शां वाले रब्बा असी बगैर कसमां तो भी तुहाडा हर हुक्म ते फरमान मनन लई तैयार हां। मालिक ओ केड़ी एडी अहम बात है जिदे वास्ते तुसी कसमां उठा के गल करना चाहंदे हो। फरमाया हां हां गल बड़ी अहम है, मैं दो कसमां उठा के कह रहा। मा वदा का रब्बो का व मा कला, मैं कसमां उठा के कह रहा। ये मैं
बकवास करते ने जेड़े आंदे ने तेरा रब तैनू छड़ गया ये झूठ बोलते ने जेड़े आंदे ने तेरा रब तेरे नाल गुस्से हो गया ए मेरे महबूब जी मैं दो कसमां उठा के रब कह रहे अम्मा का रब का मां कला छड़िया भी नहीं मैं तुहाडे नाल गुस्से भी नहीं होया सुभान पहला मसला ये समझाया हुन अगला मसला की समझाया वो साडे समझण वाला और एक बात मैं कहा करना कुरान मुस्तफा ते नाजल हुंदा तरबियत उम्मत दी कीती जा रही है कुरान नबी ते नाजल हुंदा सबक उम्मत नु दिता जांदा कुरान नबी ते नाजल हुंदा दरस उम्मत नु दिता जांदा हुन नबी पाक ते कुरान नाजल हो रहा अल्लाह फरमांदे ने वला तकूलन अले शयइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अय्यशा अल्लाह ए मेरे महबूब पैगंबर जी पहली गल एवे जदों गल कल ते पानी होए जदों गल कल ते पानी होए फलाना काम मैं कल करांगा नाल की कहना की कहना अच्छा कईयां नूं भुलेखा लग जांदा वांदे ने पैसा जेब विच होए ते फिर उत्थे इंशाअल्लाह दी भला एडी केडी लोड़ है कारी महमूद साहब माशाअल्लाह तशरीफ फरमा ने अल्लाह नूं सेहत नाल लंबी जिंदगी अता फरमाए लंघ दिया कुर्बानी दे दिन चुके करीब आ गए ने अल्लाह खैर खैर नाल विखनी नसीब फरमाए ते जेड़ियां करनिया ने अल्लाह अपनी रहमत नाल कबूल फरमाए और मैं किधर चलो है बकरा लैन चले उन्हें है ये भी नाल कह भी मैं लैके आना लैके आना ए आवाज थोड़ी ठीक करो जी आवाज थोड़ी ठीक करो मैं लैके आना इंशाअल्लाह पैसे मेरी जेब च ने इत्थे इंशाअल्लाह दी भला एडी केडी लोड़ है उन्हें फरमाया फिर भी इंशाअल्लाह कह चला गया थोड़ी देर बाद होई मुंह लमका के वापस सुना लै आंदा जी एह मैं इंशाअल्लाह जदों मंडी गया ना ते इंशाअल्लाह मैं बकरे दा सौदा कर लिया ते इंशाअल्लाह जेब च हाथ मारिया ते साइया पहला ही सफाई कर छड़ी हुण इंशाअल्लाह दा की फायदा मसला की है कुरान ने की तरबियत की है मुस्तफा ने की दसिया वला तकूलन अले शयइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा फलाना काम मैं कल करांगा कह दो इंशा अल्लाह परवाने हो कुरान दो हुन समझण वाली गल जड़ी मैं अर्ज कर रहा हां अल्लाह जुल जलाल तो कसमा उठा के फरमा रहे ने ए मेरे महबूब सोनियो मैं रब ऐलान कर रहा हां मा वद्दा आका रब का व मा कला अगे की है वलल आखिरा तो खैरुल्ला का मिनल ओला ये कई माने बनते ने एक माना एदा ए भी है कारी साहब माशाल्लाह आ गया कारी बिनियामीन आबद साहब आ गए ना आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह बड़ी ठंड पैन रही आ जाओ एक माना एदा ए वे ए मेरे महबूब पैगंबर जी इज्जत मक्के विच भी बड़ी है पर मदीने जाओगे ते मैं तुहाडियां इज्जतां विच और इजाफा कर देंगा वलल आखिरा तो खैरुल्ला का मिनल ओला ए मेरे महबूब सुनियो अज जे एक माना ए भी है अज जेड़े
तुहाडे राम च कंडे खलारदे ने, अज जेड़े तुहानू परेशान करदे ने, अज जेड़े तुहाडे कतल दे मनसूबे बनांदे ने, महबूब मदीने जाओगे ते तुहाडे पहरेदार बन जाणगे। वाला आखिरा तो खैरुल्ला का मिनल उला, आज दे तुआडे दुश्मन कल मदीने जाओगे ते तुआडे सज्जन बन जाएंगे, आज तुआडे खून दे प्यासे मदीने जाओगे ते तुआडे बॉडीगार्ड ते तुआडे पहरेदार बन जाएंगे। एक माना एवे, एक माना एवे, ए मेरे महबूब पैगंबर अली सलातो वसलाम दे इज्जतां ते असा दुनिया ते भी बड़िया अता फरमाइया ने। सोने कल कयामत दे दिन वे इज्जत ते अजमत दा ताज असां तुहानू ही अता फरमा देना है। वाला आखिरा तो खैरुल्ला का मिनल उला, ए मेरे महबूब आ जड़े तुहाडे मुखालिफ ते तुहाडे वैरी तुहाडी शान दे अंदर गुस्ताखियां करन दे प्रोग्राम ते इरादे रखदे ने, मैं कायनात दा रब एक गल वाजे कर देना चाहना कि सोनिया तुहाडी पैदाइश दे दिन तो लैके हर दूसरे दिन दा चढ़न वाला सूरज सोनिया तेरी इज्जत ते असमत दे अंदर इजाफा ही करता जाएगा। तेरी शान घटेगी नहीं बल्कि दिन ब दिन वधदी जाएगी। दुनिया दे अंदर भी इज्जतां ते अजमतां ताज मेरे पैगंबर दे सर पाक ते, कल कयामत दे दिन अल्लाह दा दरबार लगा होएगा, उत्थे भी इज्जत ते अजमत दा ताज मेरे पैगंबर दे सर पाक ते होएगा। अल्लाह दुल जला और खुद मेरे आका अली सलाम फरमा रहे ने, आप फरमांदे ने आना सैयदो वुल दे आदम, आना सैयदो वुल दे आदम, यौम अल कयामत वला फखरा वाबे यदी लिवा उल हम्द वला फखरा वमा मिन नबीयिन यौम इज़न आदम फमन सिवा इल्ला तहता लिवाई। हजूर अली सलाम दी जबाने नबुवत दे अल्फाज आना सैयदो बोल दे आदम, इथे काउंसलर नहीं संभालिया जांदा, इलाके दा नाजम हो जाए ओदी अड्डी जमीन ते नहीं लगदी, चेयरमैन बन जाए एमपीए एमएनए बन जा ओ समझदा मैं मखलूक ही कोई वखरी बन गया वा, पर मैं कुर्बान जावा मेरे मुस्तफा फरमा रहे ने कयामत दे दिन सारी औलाद आदम दा सरदार एक शहर दा नहीं, एक जिले दा नहीं, एक डिवीजन दा नहीं, हाँ हाँ एक सूबे दा नहीं, एक मुलक दा नहीं, क्या काले क्या गोरे क्या अरबी क्या अजमी क्या ईरानी क्या इराकी क्या चीनी क्या जापानी, ये सारी औलाद आदम दे सरदार आका फरमांदे ने मैं होवांगा। आना सैयदो बोल दे आदम यौम अल कयामत वला फखरा, ते ए गल फखर वाली नहीं जे वाबे यदी लिवा उल हम्द वला फखरा, ते कयामत नू हमद वाला झंडा भी मेरे हाथ विच ही होएगा। हमद वाला झंडा हजी लभदे फिरने, मैं फलाने दे झंडे थले होवांगा, मैं फलाने दे झंडे, ओ जिन्हां दे झंडियां दी गल करने खरे उन्हां दा अपना उत्थे की हाल होना, उत्थे झंडा होना ते सिर्फ आमिना दे दुर्रे यतीम दा ही होना है। हुजूर अलैहि सलाम फरमांदे ने आदम अलैहि सलाम तो लैके जिन्ने अंबिया ने ओ सारे दे सारे मेरे झंडे थले कट्ठे होणगे, अल्लाह सानू भी उत्थे जगह नसीब फरमा दे।
कयामत दा दिन है, आलम बड़ा अजीब है। परवाने कुरान दे गौर करने वाली गल जे जिथे मलाइका दी अपनी हालत कैफियत एवे अल्लाह फरमांदे नहीं यौमा यकूमुर्रूह वल मलाइका तो सफा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान वकाल सवा। उथे बड़े बड़े मलाइका अल्लाह दे फरिश्ते एडे एडे ताकतवर एडे एडे कवियुल जुसा साड़ी ते औकात ही कुछ नहीं। हजरत जिब्राइल अली सलाम दे 600 पर ने किन्ने 600 पर ने हजरत जिब्राइल अली सलाम दे जिन्ना मलाइका ने रब दा अरश उठाया ना। नबी अली सलाम दा फरमाने गिरामी नोट फरमा लो, आप फरमाते ने फरिश्तियां नूं वेखो ते अपनी करतूत भी वेखिए भी है की है ते संभाले ही नहीं जांदे। इतने इतने कवियुल जुस्सा मलाइका ते सारी जिंदगी एक सा भी रब दी ना फरमानी नहीं करते। नबी अली सलाम ने फरमाया ए कन दी लो इथो लाके ते ए कंधा किन्ना कु फासला 4 इंच साडा तुहाडा जिदी बहुती लंबी धौन होवे चलो 5 इंच कर लो होर बहुती लंबी धौन होवे 6 इंच कर लो। नबी अली सलाम फरमांदे ने जिन्ना मलाइका ने रब दा अरश उठाया इथो लाके ते इथो तक दा फासला 700 साल दा फासला किन्ना इतना फासला दे इतने बड़े बड़े मलाइका ते रब दी एक सांस भी ना फरमानी नहीं कर दे। वो साड़ी करतूत पिछों की है मार के बहुता बड़ा वड्डा पहलवान है ते 6 फुट दा होएगा ते आकड़े दी संभाली नहीं जांदी। दुआ करो हाँ अल्लाह सानू अपना फरमा बरदार ते महबूब दा ताबे आदार बना ले। आमिना दे लाल अली सलाम फरमांदे ने कयामत दे दिन सारे लोग परेशान होंगे, लोग मारे मारे फिर दे ने परेशान परेशान, और उस दिन दी हालत ते कैफियत एवे मलाइका जेड़े इतने अल्लाह दे फरमा बरदार ने उन्हां मलाइका नूं भी उच्ची साह लैण दी जरूरत नहीं होएगी। अल्लाह दे आर्डर ते उहदी मर्जी ते उहदी इजाजत दे बगैर गुफ्तगू कोई नहीं कर सकेगा। और प्यारे पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने कयामत दा दिन आ दुनिया ना पसीना पेशानी ते आउंदा चेहरे ते आउंदा फिर जनाब जिस्म चो हुंदा पैरां तक पेशान पसीना पहुंचदा। कयामत दे दिन जेड़ा पसीना होना ओदी कैफियत मुख्तलिफ होनी, वो पैरां दी तरफों शुरू होएगा। जिन्ने जिन्ने गुनाह होने ने ओना ओना गुनाहों दे मुताबक बंदे दा पसीना होएगा। तुसी अंदाजा फरमाओ हाँ आज सूरज करोड़ा मील दे फासले ते वे कितना लंबा फासला, दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच जाए लोग मरण लग पैंदे ने भुजण लग पैंदे ने। हालांकि करोड़ों मील दे फासले ते सूरज ते जिदन सूरज 1 मील दे फासले ते होना बाद ने 1 मील तो मुराद आ जेड़ा सुरमचू सलाई जिन्हों आंदे हो सुरमा पान वाली अरबी च इहनू भी मील आंदे ने या ते इन्ना करीब होएगा ते चलो दूसरा मील भी अगर मन लिया जाए किथे करोड़ा मील दा फासला ते किथे 1 मील दा फासला होएगा। सूरज सिर ते खलोता ते जमीन समझ ले तांबे दी बन गई है। तौबा अल्लाह मेरी तौबा। और हालत ते कैफियत पता की है, अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, या अय्युहन्नास तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअत शय्युन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़ाउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमला व तरन्नासु सुकारा व माहुम बिसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। डर जाओ उस कयामत दे ज़लज़ले कोलो, यार जितन हालत कैफियत इंज दी होएगे, लोग इंज ने जिवें नशा कीता हुंदा, समझ कोई नहीं, सूझ बूझ कोई नहीं आ रहे, हालांकि नशा नहीं कीता होएगा, अल्लाह दे अज़ाब दा खौफ ते डर इन्ना होएगा। और कैफियत की होनी है, फरमांदे ने पैना नू छड़ दिता सकिया पेरा ने पैना नू छड़ दिता सकिया पेरावा ने याद नहीं किता फिर दोस्त आशनावा ने ते सुट दिता रोंदा बच्चा जम दिया मावा ने पुत्र नो याद नहीं किधर गई माइया। हालत इंज दी कैफियत इंज दे, जिन्ना गुनागार ज्यादा ओना पसीना ज्यादा, कईयां दा पसीना गुनावां दे मुताबक गिटे गिटे, कईयां दा पसीना गोडे गोडे, कईयां दा पसीना लक तक पहुंच जाएगा, कईयां दा पसीना गर्दन तक आ जाएगा। कई बदनसीब ऐसे जेड़े अपने पसीने च डुबकियां खांदे फिरदे होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह असी बड़े ही गुनाहगार, बड़े खताकार ते बड़े सियाकार, तैनू तेरी रहीमी ते करीमी दा वास्ता ही इन्ना सारे गुनाहगार बंदे मेरे समेत अल्लाह कयामत दियां इन्ना हौलनाकियां तो साडी हिफाजत फरमा। प्यारे पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने लोग परेशान ने मारे मारे फिरदे ने बे हुण आंदे ने चलो बाबा जी आदम अली सलाम कोल चलिए ते जाके बाबा जी नू अर्ज करिए तुसी साडे बाप आओ अल्लाह दे सामने साडी सिफारिश कर दियो। इकट्ठे होके जनाबे आदम कोल चले गए, तुसी बाप हो असी तुहाडी औलाद हां, मेहरबानी फरमाओ चलो रब दे दरबार च साडी सिफारिश करो। ते आदम अलैहि सलाम फरमानगे पुत्र मेरे जरूर हो पर अज इत्थे मैं तुहाडी सिफारिश नहीं जे कर सकदा, तुसी इंज करो जनाबे नूह अलैहि सलाम वल चले जाओ। 950 साल उन्हां अल्लाह दा पैगाम सुनाया, 950 साल तौहीदियां वाजां फरमाइयां ने, जनाबे नूह नूं जाके आखो सिफारिश कर। इकट्ठे होके जनाबे नूह अलैहि सलाम वल, हजरत आओ रब दे दरबार च साडी सिफारिश करो। आप फरमांदे ने मैं नहीं जे जा सकदा, जनाबे इब्राहिम ना अल्लाह नू बड़ा प्यार है, ओना अल्लाह दी रजा दी खातर आग विच छाला मारिया ने, अल्लाह दी रजा दी खातर बेटे दे गले ते छुरी रख दीती है। जनाबे खलीलुल्लाह नू जाके अर्ज करो, इधरों भी जवाब मिल गया। फरमान लगे तुसी जनाबे मूसा नू जाके मिलो, अल्लाह ने बराए रास्त डायरेक्ट ओना ना दुनिया ते गल्लां कीतियां ने, ओना दा शान बड़ा मकाम ते मर्तबा बड़ा। जनाबे हजरत मूसा अलैहि सलाम वल आए, फरमान लगे मैं नहीं जे जा सकदा, तुसी जनाबे ईसा अलैहि सलाम वल चले जाओ। अल्लाह ने ओना नू अपने खास कलमे नाल पैदा फरमाया, बिन बाप दे अल्लाह ने पैदा कीता, ओ तुहाडे सिफारशी बनणगे। जनाबे ईसा
السلام کول آ جان گے تے حضرت عیسیٰ جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اوے ایویں پھر دیو لمبے چمبے اج ایتھے کم آونا تے محمد مصطفیٰ نہیں آونا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاما ہر پاسے پریشانی ہی پریشانی اور عالم کی ہے عجیب کیفیت ہے اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا ویندیاں ویندیاں وہ آگئے محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ دیو تھوڑی ہمت کر کے صلی اللہ وہ آگئے محمد براق کی سواری وہ آگئے محمد براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا وہ پیاری پیاری صورت اور میرے نبی کا مکھڑا وہ پیاری پیاری صورت اور میرے نبی کا مکھڑا پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغے دیکھو عجب نظارہ دربار جا رہی ہے دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری جا کر کریں شفاعت اب بخش دے غفارہ آپ فرما دینے ہر پاسیوں مایوس ہو کے نا مجبور ہو کے میرے اللہ جانگے اور میں کہا کرنا آگے آکھنگے اوسن آدم صفیح اللہ اوسن جناب نون نجیح اللہ اوسن ابراہیم خلیل اللہ اوسن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اوسن جناب موسیٰ کلیم اللہ ایسن حضرت عیسیٰ روح اللہ اے اللہ دے پیارے نبی جی کوئی نہیں ٹریا تسی سفارش کر دیو تسی جے حبیب اللہ کوئی نہیں نال ٹریا تسی سفارش کر دیو تسی جے حبیب اللہ آپ فرما دینے میں نال ٹر پوانگا یاری اوتھے لاؤ جیڑا توڑ نبھائے جیڑا وچے چھڑ جاؤ یاری کہا دی ہوئی چھولیاں دا وڈ ہویا او کہا دی یاری ہے یاری او تھیلا جڑا توڑنے وائے آج اس محبوب دا دامن توں پڑ لے جنتاں وچ میرا رب داخل فرما دے وے گا آپ فرما دینے میں نال ٹر پوانگا تے رب دے عرش دے تھلے جا کے میں سار سجدے رکھ لوانگا ایک گل ہور بھی سجادہ والیو پتا لگ دا رب نو پنگڑے پا کے نہیں منائی دا لٹیاں پا کے نہیں منائی دا تبلے کھڑکا کے نہیں منائی دا رب نو سجدے اچ پہ پہ کے منائی دا رب نو سجدے کر کر کے منائی دا آوے طریقہ مصطفیٰ دا آپ فرما دینے قیامت دے دن میں اللہ دے عرش دے تھلے سجدے پہ جا مانگا دے اللہ ذل جلال ولی کرام دیاں انیاں تعریفہ بڑھائیاں بیان کرانگا کی بیان کرانگا اے رب منو او دو یاد کروائے گا دے میں اپنے مالک دیاں سنامہ دے حمدہ بیان کرانگا سبحان اللہ دے پھر ساڑا ایمان بالآخر رب نے مانی جانا بولو رب نے
मानी जाने और पता जे किंज दिन हशर दे सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। दिन हशर दे सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। उते मेरे जय गुनगारानू जदों तेरे जय गुनगारानू आका घुट के सीने ला लेना। उते मेरे जय गुनगारानू आका घुट के सीने ला लेना। जदों सारे नबियां ना करनी मेरे पीर ने बस उते हां करनी। जदों सब नबिया ने ना करनी मेरे पीर ने बस उते हां करनी। उते कुल नबिया मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना। उते कुल नबिया मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना। मंजर पता जे किवें दा होना। लोकी अड्डियां चुग चुग वेखदे ने। लोकी अड्डियां चुग चुग वेखदे ने। लोकी अड्डियां चुग चुग वेखदे ने। इशाना वाला कौन आया। लोकी अड्डियां चुक चुक वेखदे ने इशाना वाला कौन आया। ए अजमत वाला कौन आया। ए रिफात वाला कौन आया। जदों झंडा हमद वाला नबी पाक ने खुद उठा लेना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं कुर्बान जा गल बड़ी प्यारी कर देने। उते कौसर दा एक हौज हो सी। अल्लाह सानू पानी नबी दे हथों नसीब फरमा दे। अच्छा एक और भी गल जे कई वो होने ने के नबी पाक प्याले भर भर के सियाबा नू फड़ानगे सियाबा अगे वरतानगे। और कई ऐसे खुश नसीब होने ने जिन्हां नू इंज बुक भर के मेरे नबी उन्हां दे मुंह नाल ला देंगे। अल्लाह सानू भी नसीब फरमा दे। उते कौसर दा एक हौज हो सी। उते सोना जलवा फरोज हो सी। उते कौसर दा एक हौज हो सी। उते सोना जलवा फरोज हो सी। जिन्ने पी लिया जाम कौसर दा ओनू रब ने भी अपना बना लेना। ओनू रब ने भी अपना बना लेना। मैं मनना वा जन्नत बहुत सोनी है ना। सोनी जन्नत सोनी है ना। वेखी जे नहीं पर साडा ईमान है भी ये ते है भी बड़ी सोनी है। कुरान ने आखिया मुस्तफा अलैहि सलाम ने फरमाया मैं मनना वा जन्नत बहुत सोनी पर उस दिन उस ते ओ रोज हो सी। कदों जदों मेरे कमली वाले ने ओदे विच जाके डेरा ला लेना। परवानियों को प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामे परवाने ओ दुनिया दे अंदर भी इज्जत ते अजमत दा ताज अल्लाह ने मेरे पैगंबर अली सलाम नु अता फरमाया। और कल कयामत दे दिन भी इज्जत ते अजमत ते सरदारी दा ताज रब्बुल आलमीन ने अपने मुस्तफा नु ही अता फरमाना है। यार योदे ना लाइए जेड़ा तोड़ निभाए महबूब नु अपना राहबर रहनुमा मुक्तदा पेशवा आज बना लईए। इंशाअल्लाह दुनिया दे अंदर भी हुजूर दी ताबेदारी
और इस ताबेदारी का नतीजा निकलेगा कि कल कयामत दे दिन अल्लाह के दरबार अंदर महबूब की शिफात मिलेगी, हौजे कौसर का जाम मिलेगा, तो अल्लाह जुल जलाल दे जन्नत का दाखला मिलेगा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू अपने महबूब पैगंबर का सच्चा ताबेदार बनाए, किताब सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक बख्शे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक।